हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की पुस्तक आओ करें और सीखें गतिविधि पुस्तक को हल करेंगे। इसमें हमें गतिविधि 51 को हल करना था। यदि आपने इससे पहले वाली गतिविधियों को हल नहीं किया है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां आपको सभी गतिविधियां हल मिल जाएंगी। तो वहां से पहले उनको हल करें। इसमें हम गतिविधि 51 और 52 को हल करेंगे। देखिए गतिविधि का नाम क्या दिया है, गतिविधि का नाम है प्रश्न बनाओ। इस गतिविधि में हमें क्या करना है, प्रश्नों को बनाना है। जैसे सबसे पहला प्रश्न क्या लिखा, दिए गए निर्देशों से गुणा के प्रश्न बनाइए। क्या करना है, जो निर्देश दिए गए हैं उनसे हमें क्या करना है, गुणा के प्रश्न बनाने हैं। जैसे आपको पहला प्रश्न दिया गया है, एक पेन की कीमत 5 रुपये है, पेनों की संख्या 6, तो इसको हमें हल करना है। पेन की कीमत कितनी है, 5 रुपये, तो 5 और पेनों की संख्या कितनी है, 6, इनका गुणा करेंगे कितना है, 5 × 30, 30 है जो इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया था, दूसरा प्रश्न था केलों की संख्या 10 दर्जन, एक दर्जन केले का मूल्य 25 रुपये है। तो देखिए देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, केलों की संख्या 10 दर्जन और एक दर्जन केले का मूल्य कितना दिया है, 25 रुपये। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से प्रश्न बनाएंगे और हल कैसा होगा, यह इस तरह से हल होगा। आपको यह बता दिया गया कि कैसे हल करना है। आप प्रश्न बनाएंगे कि यदि केलों की संख्या कितनी हो, 10 दर्जन हो, केलों की संख्या 10 दर्जन हो, तो एक दर्जन केले का मूल्य 25 रुपये हो, तो बताइए कि कुल केलों का मूल्य कितना होगा। इस तरह से आप प्रश्न बना सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है, 1 मीटर कपड़े का मूल्य 45 रुपये, खरीदे गए कपड़े की माप 12 मीटर। तो देखो यहाँ पर आपको हल मिल जाएगा। और प्रश्न कैसा बनाएंगे, प्रश्न बनाएंगे कि यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 45 रुपये हो तो 12 मीटर कपड़े खरीदने में कितने रुपये लगेंगे। इस तरह से यह प्रश्न आप बना सकते हैं। अब देखो चौथा प्रश्न, चौथे प्रश्न में क्या करना है, 1 किलोग्राम चावल की कीमत 30 रुपये, चौथे में हमें चावल की कीमत दी कितनी, 30 रुपये, और चावल की मात्रा 25 किलोग्राम है। अब हमें इससे कोई प्रश्न बनाना है, तो कैसा प्रश्न बनाएंगे, हम इस तरह से प्रश्न बनाएंगे कि यदि 1 किलोग्राम चावल की कीमत 30 रुपये हो तो 25 किलोग्राम चावल खरीदने में कितने रुपये लगेंगे। इस तरह से आप प्रश्न बना सकते हैं और यह आपको आंसर सॉल्व करके बताया गया है। पांचवें प्रश्न में देखिए, पांचवा प्रश्न क्या है, पांचवा प्रश्न पूछा गया कि एक सूट में लगने वाले कपड़े की माप कितनी है, 4 मीटर, सूटों की संख्या 10 है। तो ऐसा प्रश्न बनाएंगे कि एक सूट में लगने वाले कपड़ों की माप यदि 4 मीटर हो तो 10 सूटों को बनाने में कितने मीटर कपड़ा लगेगा। तो इस तरह से आप प्रश्न बना सकते हैं। छठवां प्रश्न देखिए, छठवां प्रश्न क्या है, 1 लीटर दूध की कीमत 48 रुपये, दूध की मात्रा कितनी हो, 20 लीटर। अब हमें इसको प्रश्न में बनाना है, तो आप सभी लोग इसको बताइए कैसा प्रश्न बनेगा। इसका प्रश्न ऐसा बनाएंगे कि यदि एक लीटर दूध की कीमत 48 रुपये हो तो 20 लीटर दूध की कीमत कितनी होगी। इस तरह से आप प्रश्न बना सकते हो और यहाँ आपको सॉल्व भी कराया गया है। अब देख लीजिए अगली गतिविधि, गतिविधि नंबर 52 को देखते हैं। गतिविधि 52 को क्या नाम दिया, गतिविधि 52 का नाम है प्रश्न बनाओ। इसमें भी हमें क्या करना है, प्रश्नों को बनाना है। जैसे देखिए यहाँ आपको एक उदाहरण समझाया गया, 24 एवं 8 से प्रश्नों को बनाना, क्या गुणा के प्रश्न बनाने हैं। तो कैसे बनाए, देखो 24 रुपये वाली 8 टिकटें ली गई हैं, कितने रुपये देने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप प्रश्न बना सकते हैं। पहले हमने दूसरा प्रश्न कैसा बनाया, 20 और 12 को लेकर प्रश्न बनाना था, तो हम प्रश्न बनाया, हमने 20 रुपये वाली 12 टिकट ली गई हैं, तो बताइए कितने रुपये देने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप प्रश्न बना सकते हैं। तीसरे प्रश्न में 30 एवं 6, 30 रुपये वाली 6 टिकट ली गई हैं, कितने रुपये बना सकते हैं। आप किसी भी तरह से प्रश्न बना सकते हैं, हमने इसी की तरह ही आगे के प्रश्नों को बना दिया है। चौथा प्रश्न में क्या लिखा था, 18 एवं 10, यहाँ पर हमने लिख दिया 18 रुपये वाली 10 टिकट ली गई हैं, कितने रुपये देने पड़ेंगे। तो इसी तरह से आप इन सबको कर लेंगे। आपको देखिए इसमें क्या करना है, 10वें प्रश्न में 202 एवं 10, तो यहाँ पर भी आपको वैसे ही लिख देना है, 202 रुपये वाली 10 टिकटें ली गई हैं, बताइए कितने रुपये देने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप प्रश्न बना सकते हैं। इस तरह से हमें गतिविधि 51 को हल
करना था। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।